आप देखिए, आपकी जमाने के पूरे 2014 से लेकर आज तक एक के बाद एक चाइना पॉलिसी में आप फेलियोर और फेलियोर अब दर्शाते हैं। 2014 में देखो, 2017 में देखो, 2019 में देखो, 2022 में देखो, कभी दोकलाम, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल, एक के बाद एक देखते जाइए। अब मालदीव में क्या हो रहे हैं, इंडिया आउट नारा लगाते हुए एक चुनाव होते हैं और आपका अजीत डोभाल कहाँ थे उस समय? जो कुछ भी इन्होंने कहा है चीन के संबंध में और साथ ही साथ भारत और चीन बॉर्डर एलएसी के संबंध में जो कुछ भी कहा है उससे मैं पूरी तरह से असहमति व्यक्त करता हूँ, उसको मैं डिसकंडम करता हूँ। इस तरीके से इस पार्लियामेंट के फोरम पर अपने देश को बदनाम करना, इसका कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, इनकी इस अप्रोच को मैं कंडम करता हूँ। मोदी जी आने के बाद एक इंच में हमारा जमीन के अंदर कोई चाइना का फोर्स आकर के ऑक्युपाई नहीं किया। आप यहाँ अगर बात कर सकते हैं, आप मेरा साथ चलना होगा। आप गलत बात करके बच नहीं सकते हैं। पाकिस्तान का भाषा, चाइना का भाषा और कांग्रेस का भाषा एक हो गया है, तालमेल में आप लोग बात करते हैं। सर, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस में हमारा सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में एक लफ्ज नहीं कहे गया। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे रक्षा मंत्री जी को, बताइए लद्दाख की हाल क्या है? आपने कहा था कि स्टेटस को एंटी को रिस्टोर करेंगे, यथास्थिति को बहाल करेंगे, कहाँ बहाल हुई है? सर, दिन पे दिन लद्दाख की हालत बुरा होते जा रहे हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अतिक्रमण हो चुके हैं। ये 20 राउंड मिलिट्री टॉक्स हुए हैं, 28 राउंड डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए हैं। आज वहाँ चरवाहों ने जाने नहीं पाते हैं अपना जमीन पे, वो चराई करने नहीं जा पाते हैं। लद्दाख के लोगों को पूछिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप चुप बैठे हैं? अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। जब गलवान घाटी में इस तरह की घटना घटी जहां हमारा 20 जवानों को शहादत देने पड़ी, आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, कोई नहीं घुसा, कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अगर हिम्मत किसी को मिली है तो चाइना को मिले। आप देखिए, आपकी जमाने के पूरे 2014 से लेकर आज तक एक के बाद एक चाइना पॉलिसी में आप फेलियोर और फेलियोर अब दर्शाते हैं। 2014 में देखो, 2017 में देखो, 2019 में देखो, 2022 में देखो, कभी दोकलाम, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल, एक के बाद एक देखते जाइए हमारे फॉरेन पॉलिसी में और सिक्योरिटी हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। आपको ये नहीं सोच आ रहे हैं आज मालदीव में क्या हो रहे हैं? आप मालदीव में क्या हो रहे हैं? इंडिया आउट नारा लगाते हुए एक चुनाव होते हैं और आपका अजीत डोभाल कहाँ थे उस समय 1966 में? अध्यक्ष महोदय, श्री अधीर रंजन जी चौधरी ने चूंकि मेरा नाम लिया है इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। जो कुछ भी इन्होंने कहा है चीन के संबंध में और साथ ही साथ भारत और चीन बॉर्डर एलएसी के संबंध में जो कुछ भी कहा है उससे मैं पूरी तरह से असहमति व्यक्त करता हूँ, उसको मैं डिसकंडम करता हूँ। और कभी इस पर यदि आप चर्चा की अनुमति देंगे तो मैं अपनी बात उस पर मैं रखूँगा। सर, मैंने आपसे इजाजत लिया था, कि मैं इसे पॉलिसी में बात करूंगा सर, और कुछ नहीं। राजनाथ सिंह जी, पिछले कई सालों से बार बार हम लोग गुहार लगाते आते हैं कि चाइना के बारे में चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो। चाइना आज सींग और पाल के चलते हमें घेरेबंदी कर रहे हैं, आपको ये नहीं देख पाते हैं आप? अरे मालदीव हमारे हाथ से निकल जा रहे हैं। मिनी कॉय से 70 नॉटिकल किलोमीटर दूर में है मालदीव। आपको 8 डिग्री चैनल की पता है? 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय से मालदीव के अंदर चलते हैं। लक्षद्वीप से मिनी कॉय के अंदर 9 डिग्री चैनल और मिनी कॉय से मालदीव 8 डिग्री चैनल। भूगोल आप देख लीजिए, हमारे लाइन, हमारे सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं स्लॉक, एक तरफ हरमुज, एक तरफ मलक्का, अरे एक तरफ हरमुज, एक तरफ मलक्का। अध्यक्ष महोदय, मैं गल्फ ऑफ अदेन, प्लीज 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 प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं,
भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और अनावश्यक अपने देश को इस पार्लियामेंट के फोरम पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए अधीर रंजन जी चौधरी। कभी 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 चर्चा करनी होगी तो हम आपसे चर्चा कर लेंगे। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं करते राजनाथ सिंह जी, भरोसा रखो। मैं भी एक शेक होल्डर हूं इस सरकार की, देश की। मैं जो कहे जाते हैं, ये औपचारिक तरीके से जो कहे जाते हैं पेपर में कहिए, टीवी में कहिए, उसी को मैं जिक्र करते हैं। अधीर रंजन जी, रक्षा मंत्री जी ने आपको स्पष्ट कर दिया हर विषय पर कि हम कोई भी चीज पर समझौता न करते हैं न करेंगे। और मैं यह भी अध्यक्ष महोदय यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि यहाँ पर भले ही इनकी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, यदि देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न रहता तो हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से साथ खड़ी रही है और आगे भी वह खड़ी रहती। इस तरीके से इस पार्लियामेंट के फोरम पर अपने देश को बदनाम करना, इसका कोई औचित्य नहीं है अध्यक्ष महोदय। इनकी इस अप्रोच को मैं कंडम करता हूँ। सर बोलने तो दीजिए। सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बड़ी दावे के साथ कहते हूँ, मेरा नेत्र यहाँ मौजूद है, देश की रक्षा के लिए सर एक कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ा है। आप निश्चित रहिए, आप सब लड़ते जाइए, आप लड़ते नहीं, इसीलिए हम आपको जिक्र करते, लड़ते नहीं हो। आपको लगता है आप डरपोक होते जा रहे हैं, इसलिए हमें चिंता हो रहे हैं, आप लड़ते जाओ। मैं नहीं, सारे देश आपके साथ खड़ा होंगे। आप नकार नहीं सकते। आज मालदीप में चाइना रिसा सिप पहुंचा है, आज मालदीप में। अब बताइए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे बंद हो चुके हैं, हमारा फौज को वापस के लिए हुक्म दिया गए हैं, और इंडिया आउट के नारा पर एक देश में चुनाव होते हैं जो हमारी देश से सिर्फ 70 नॉटिकल किलोमीटर दूर में है। आप चुप क्यों बैठे थे? क्यों आप चुप बैठे थे? क्यों भूटान के साथ चीन का रिश्ता बढ़ रहे हैं? क्यों हमारे गलती कहां? देखो अधीरंजन जी, अब बड़ा आगे सर, ये सर मुद्दा है सर, बहुत बड़ा मुद्दा। सर देखिए, 1966 में मालदीव के साथ हमारा संपर्क बने थे, आपको याद दिला दे, राजीव गांधी के जमाने में 1988 में ऑपरेशन कैक्टस हम लोग किए थे मालदीव को उद्धार करने के लिए। उस समय आतंकवादी ने मालदीव को कब्जा कर लिया था, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राजीव गांधी के नेतृत्व में, सॉरी, दिवंगत नेता राजीव गांधी की हर वक्त राहुल गांधी जी के चलते है ना इसमें होते, बस ठीक है, मैं मान लिया गलती है। दिवंगत नेता हमारे डिपार्टेड लीडर स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 1988 में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था और गायुम को हम लोग वहां से उद्धार किया था, पता कर लो। अभी इसीलिए ना कहता हूँ, आप कहते ना कांग्रेस नहीं, सारे देश आपके हमारे जहाँबाज जवानों के साथ खड़ा है। आपने यहाँ बड़े बड़े दावा करते हैं, आज प्राक ऑक्यूपाइड कश्मीर के सिर चीर कर चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहे हैं, कासगढ़ से गदर तक। आपने ये सदन में खड़ा होकर कहते थे कि हम पीओके को कब्जे में लाएंगे, पीएको के कब्जे में लाएंगे। हिम्मत है तो पीओके से एक सेब की पेड़ से एक सेब चीर कर एक सेब लाके दिखाइए कि हाँ हम पीओके से एक सेब लाए हैं। हिम्मत नहीं है आपका। मैं इसलिए आपको चेताना चाहते हैं या और कुछ नहीं, चेताना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, बर्मा की हाल, म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहे हैं। हुआ कुकी और मेथी के बीच जो झगड़ा, उसके चलते म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहा है। म्यांमार में चीन अपना पोर्ट बना रहे हैं, श्रीलंका में हम मंतोता पोर्ट बना रहे हैं, ईस्ट अफ्रीका में जिबोती पोर्ट बना रहे हैं। अभी मालदीप अगर कब्जा में लाएंगे तो हमारे स्लॉक मतलब सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से हमारा सारे एनर्जी आते हैं, सारे ट्रेड होते हैं, हमारे खतरे में आएंगे। इसलिए हम चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि देखिए चारों तरफ पहाड़ है, हमारे निकालने की रास्ता से समुद्र है। अगर हुआ हमें पाबंदी लाए जाए जो चाइना चाहते हैं, हमारे लिए बड़ा मुसीबत खड़ा होगी। चलो आगे, मैं इसीलिए आपको चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं। सर
देश की सुरक्षा सर्वोत्तम होना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ चुसूल से लेकर देवशक देमचक हर जगह खत्ते की खत्ते में हम गुजर रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बात तो किए जाते हैं लेकिन मेंबरों ने आप थोड़ा खुले मन से सोचिए एक बार कि हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन बुरा होते जा रहे हैं। चीन हमें एनसर्कलिंग कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ प्यार, उसके बदले हम कहते हैं कि नेकलेस ऑफ डायमंड बनाता है लेकिन असरदार नहीं होते हैं। इसलिए आप और तेजी से काम करो, सारे विपक्ष आपके साथ खड़ा होंगे। ये बड़ी बड़ी बात किए जाते हैं, उस दिन तो कहते कि 7 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी बन चुके हैं। कहाँ से आपकी इतने ट्रिलियन डॉलर आते हैं मुझे पता नहीं। शायद शायद इस सरकार के ऊपर हथिया बरस रही है, हो सकता शायद सरकार की कुछ अलग से तिलस्मा हासिल हुए हैं। कहाँ से ये 7 ट्रिलियन डॉलर की बात करते हैं मुझे पता नहीं। मैं एक बात कहना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए 5th इकोनॉमी 3rd इकोनॉमी बताए जाते हैं लेकिन आप बताइए पर कैपिटा हमारे देश में पर कैपिटा जीडीपी क्या है? आप बताइए पर कैपिटा जीडीपी क्या है हमारे देश में? आज 2023 में पर कैपिटा जीडीपी 2600 डॉलर। अब जिस दो देश को किनार करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं जर्मन और जापान, जर्मन के पर कैपिटा जीडीपी कितने जानते हैं? 52,800 डॉलर, जापान के 33,950 डॉलर। आप 2,600 डॉलर लेकर बड़ा फुटानी कर रहे हैं कि मैं क्या ना क्या कर दिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को गुमराह करने की अगर कोशिश करेंगे हम जरूर विरोध करेंगे आप लोगों को। देखिए ये बड़ी बड़ी जोर शोर से हमारे देश में अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सत्ता पक्ष, इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए मैं याद दिलाना चाहते हैं सारे हिंदुस्तान के लोगों को, 2014 साल में चुनाव हुआ था, उस समय लोगों को बरगलने के लिए ये कहे गए थे कि अच्छा दिन लाएंगे, 25 लाख हर लोग की जेब में, 15 लाख रुपया हम बाहर से काले धन लाकर हम देंगे। चुनाव खत्म हो गए, सत्ता में आ गए, सत्ता में आने के बाद आपका नेता कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है। दूसरी बारी आ गया 2019 में, पुलवामा में हमारे 7 जवान शहीद हुई, वहाँ के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहाँ के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी, मैं नहीं मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया, सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला, क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक MiG-21 को हुआ क्रैश होने देखा, हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में, उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को हम मार गिराया, पता नहीं कहाँ गिराया, और बालाकोट में असलियत क्या हुई आज तक पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं आज तक। उल्टे तरफ से सारे इंटरनेशनल एजेंसी कहते हैं कि बालाकोट में ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं हुई। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहते हूँ, एनालिसिस ऑफ ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी बाय द अटलांटिक काउंसिल्स डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड प्लैनेट लेबोरेटरी, यूरोपियन स्पेस इमेजिंग एंड ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट हैज कंक्लूडेड दैट इंडिया डिड नॉट हिट एनी टारगेट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑन द जावा हिलटॉप साइट इन द विसिनिटी ऑफ बालाकोट। मैं नहीं कहते, मतलब बालाकोट की घटना आज भी लोगों के सामने स्पष्टीकरण नहीं हुई है बालाकोट में क्या हुआ है। अगर हो सके तो आप बताइए, हमारे और एक कद्दावर मंत्री आ गए अमित शाह जी, बता सकते कि बालाकोट में असलियत हुआ क्या था, ये आज तक इसका जानकारी नहीं है। फिर नया चुनाव आ रहे हैं, जब चुनाव दरवाजा खटखट रहे हैं तो आप प्रभु राम जी की शरण ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। प्रभु राम जी की शरण लेना कोई गुनाह नहीं। आप कहते कि राम राज्य हम लाके देंगे। देखिए महात्मा गांधी को जिस दिन गोली से भून दिया गया था नाथुराम गौड़से नामक एक व्यक्ति द्वारा, उस दिन भी महात्मा गांधी देहांत लेते हुए उस समय कहा था हे राम, मतलब राम को सब शरण करते हैं। एक नाम
एक राम जो दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेता, एक राम है जो जगत पसेरा, एक राम है जगत से न्याड़ा, जगत से न्याड़ा। तो राम को हम सब मानते हैं, ऐसा नहीं। आप राम का आपका पेटेंट मत बनाइए, राम आपका चुनावी पेटेंट ना हो, ये मैं चाहता हूँ। राम सबका है, और हमारा देश हिंदुस्तान चार वेद है, यहाँ चार वेदों हैं, मिलियंस ऑफ गॉड्स, लाखों की भगवान है हमारे देश में, 18 उपनिषद है, 2 महाकाव्य है। ये देश कोई छोटी मोटी देश नहीं, हियाँ आप लोग इस तरीके की राम को अपना पेटेंट बनाने की कोशिश ना करें तो लोग आपको धार्मिक कहेंगे। राम को पेटेंट मत बनाइए, राम को चुनावी उपकरण मत बनाइए, राम को राम की जगह रहने दीजिए। महात्मा गांधी कहते थे इन 1929, महात्मा गांधी कहा था, बाय राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज, आई मीन बाय राम राज्य डिवाइन राज, द किंगडम ऑफ गॉड, फॉर मी राम एंड रहीम आर वन एंड द सेम डेटी। मैं इसलिए कहता हूँ, जानते हैं आज हमारा साथी हसन साहब कहते थे अच्छा ठीक है, राम मंदिर बन गए, अभी ज्ञानवापी लेकर चर्चा शुरू हो गए, अभी मथुरा लेकर चर्चा शुरू हो गए। तो हमारे देश में राजनाथ सिंह जी आप ज्ञानी व्यक्ति है, हमारा देश में 20 करोड़ मुसलमान है, उन लोगों का मन में डर पैदा ना करो तो बेहतर होगी। आरएसएस बोलते हैं कि हम राम जन्मभूमि के बाद हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लोगों के अंदर शंका है, कोर्ट से उनकी पक्ष राय चली जाएगी। ये मैं नहीं कहते, लोगों के मन में यह शंका है। तो मैं ये कहना चाहते कि आप कानूनों के दौरान आप एक कानून लाइए, जिस कानून के दौरान इस तरीके की और कोई अतिक्रमण ना हो, नहीं तो इसका बड़ा बुरी असर होने वाला है। सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ये इसको संज्ञान में लिया, माननीय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को संज्ञान में लिए हैं। प्लीज सर, हमारे आजू बाजू में सब देश में ऐसा नहीं कि हर जगह हिंदू और हिंदू है, मुसलमान भी रहते हैं, उनको मन में पीड़ा हो, ऐसा काम ना करे तो देश के लिए बेहतर होगी। मैं सबको अच्छा सलाह देना चाहते हैं और कुछ नहीं, मैं अच्छा सलाह देना चाहते हैं कि ये हमारा फर्ज बनते हैं सरकार को अच्छा सलाह देना। सर मैं ये सरकार को और एक बात करना चाहते हैं कि ये कहते हैं कि हम बड़ा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 नंबर स्थान पे हम आ पहुँचे। अच्छा दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ करने वाला सरकार है, लेकिन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में कहे जाते हैं कि इंडिया रैंक्स 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, लिस्ट हैप्पी नेशन। जिस देश में सुख नहीं है, जिस देश में दुख ज्यादा है, उसको कहते हैं कि लिस्ट हैप्पी नेशन इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 136 इंडिया रैंक 126, ये मान के चलो। पर कैपिटा इनकम सारे दुनिया में 197 देश के अंदर पर कैपिटा इनकम में हमारा हालत क्या है जानते हैं, 142। लोगों को कहिए कि भाई जेब में हाथ करके रखो और कहो कि मोदी तुमको क्या दिया, बीजेपी सरकार ने क्या दिया, जेब में हाथ रख के कहो। आज तक आपको हिम्मत नहीं हुई पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की आंकड़ा पेश करने के लिए, हिम्मत नहीं हुई आपका ये हिम्मत नहीं हुई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं आउट ऑफ 180 इंडिया स्टैंड 161, मतलब हमारा देश में मीडिया वालों को आज़ादी नहीं है, दिन पे दिन वो आज़ादी खतरे में जा रहे हैं। तो एक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मीडिया को आज़ादी चाहिए, लोगों को आज़ादी चाहिए, सारे देश में हर समुदाय के लोगों के बीच एक शांति की माहौल, एक निश्चित जिंदगी की माहौल बनाना चाहिए। अगर ये आप ना बना पाते तो देश आगे नहीं जा पाते। सर हमें बहुत कुछ करना है, हमें राजीव जी कहते थे कि हमारे देश में एक मॉडर्न इंडिया होने के लिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति करना चाहिए, वो करके दिखाइया। वो कहते थे मेरा भारत महान, और मेरा भारत महान के चलते उन्होंने अपना रास्ता अपनाते हुए देशवासियों के भरोसा दिया था। मैं उनका एक कोट करना चाहते हैं, वी कैनॉट एंड विल नॉट रेस्ट
until we have owned two Swaraj for the hungry and spiritually starving million. Rajiv ji ye kehte the. Jawaharlal Nehru kehte the, culture is the soul of a nation. It is what makes us who we are and gives us a sense of identity. Yahi hamare desh ki parampara hote hain. Ye parampara ko hame bacha ke rakhna chahiye. Main Maldives ki baat karte the to aapne चिल्लाने लगे, लेकिन मालदीव की हालात आप देखो। उसके साथ साथ हमारे आजू बाजू में और एक छोटी सी एक अग्निवीर की बारे में भी आप दोबारा सोचिए। ये अग्निवीर के चलते नेपाल के साथ हमारा रिश्ता खराब होते जा रहे हैं। 1947 में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुई थी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के साथ कि उनकी देश के जवानों को हम अपने फौज में रख सकते, हम अपने फौज में भर्ती करा सकते, लेकिन अग्निवीर के चलते उन लोग थोड़ा परेशानी में है। हमारे काला पानी के लेकर नेपाल से थोड़ा टकराव भी है। चीन चाहते हैं नेपाल के अंदर घुसने के लिए, आप सतर्क रहिए। मैं सिर्फ चेताना चाहते हैं, भूटान नेपाल सब हमारे पड़ोसी देश आई। बांग्लादेश में सबमरीन डिप्लोमेसी हो रहे हैं, म्यांमार में कालियापो एक पोर्ट बना रहे हैं, श्रीलंका में हम्मन तोता बन चुके हैं, पाकिस्तान में गदर बन चुके हैं, हम कहाँ जाएं? चारों तरफ घेरेबंदी में फंस रहे हैं। मैं मानता हूं आप जरूर प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ठोस कदम उठाने से हमारा लाभ होगी, इसीलिए मैं आपको ये सलाह देना जरूरी समझा और इसलिए सलाह आपको दे रहे हैं। मैं सर ये बात कहते हुए मैं ख़त्म करना चाहते हैं। सर मैं जानता हूं आप समय काफ़ी कम है। देखिए बात यह है कि हमारा देश में सब धर्म के लोग हम मिल के रहें, यही हमारा मकसद है। एक मिनट, एक साहिब ने कहा था, काबे में रहो या काशी में, निस्बात तो उसी की बात से है, तुम राम कहो या रहीम कहो, मकसद तो उसी की जात से है। ये मान के हम चले। और मैं परशुराम शुक्ल को उनकी एक कविता यहाँ उल्लेख करना चाहते हैं। धरती से सीखा है हमने सबका बोझ उठाना, गगन से सीखा है हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबकी पीड़ा हरना, पर्वत से सीखा है हमने दृढ़ संकल्प बनाना, और नदी से सीखा है हमने आगे बढ़ते रहना, सागर की लहरों से सीखा सुख दुख को सह जाना, तूफानों ने ये सिखलाया आफत से टकराना। हम आफत से टकराएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और देश को आगे ले जाएंगे, और जहाँ जहाँ खामियाँ देखेंगे, चाहे इस पार हो कहाँ कोई रहे, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि अगले बार आप इधर रहोगे हम उधर रहूँगा, ये मान के अब चलो। सर धन्यवाद। सर मैं राष्ट्रपति शासन जी की ये भाषण में राष्ट्रपति शासन जी की भाषण नहीं रही, ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बन गया बीजेपी पार्टी की। तो मैं ये इलेक्शन मैनिफेस्टो की विरोध करते हुए अपना वाणी को विराम देता है। नमस्कार। सतीश किरण जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आदिर जी, ये पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको एक प्रपोजल देता हूँ, आप हमारा साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने बात करते करते ऐसे बातें आपने कह दी जो सत्य तो नहीं है, साथ साथ देश को नुकसान पहुंचाने वाले बात आपने कहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप भाषण दिए इतना, ये कर्टसी बेसिक कर्टसी होता है, आप एक कर्टसी होता है। आप सर, इन्होंने कहा कश्मीर से लेकर के लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, आप एक लीडर होकर के इस तरह का बातें करना इस सदन में, आप जो भी जमीन चाइना बैठा है वो कांग्रेस के समय में कब्जा करके बैठा है, मोदी जी आने के बाद एक इंच में हमारा जमीन के अंदर कोई चाइना का फोर्स आकर के ऑक्युपाई नहीं किया। आप यहाँ अगर बात कर सकते हैं, आप मेरा साथ चलना होगा, आप गलत बात करके बच नहीं सकते हैं। पाकिस्तान का भाषा, चाइना का भाषा और कांग्रेस का भाषा एक हो गया है, तालमेल में आप लोग बात करते हैं। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।